हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक प्राइवेट कंपनी के जॉब में। तो दोस्तों, यहां पे जो कि आप लोग सभी जानते हैं, गवर्नमेंट में जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा जो कि मुश्किल हो गया है। तो यहां पे बहुत ही जो लोग यहां पे काम के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से चाहते हैं कि कोई भी आपको कोई भी कंपनी में आपको काम करना है। तो दोस्तों, यहां पे मैं अभी आप लोग को बताऊँगा एक बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी है, डी मार्ट एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें आप लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना होगा, यहाँ पे एक आपका छोटा सा फॉर्म जो कि है, इसमें इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, पहले आपको मैं बोल देता हूँ, अगर आप इस पर आप जो कि इस पेज में आने के लिए अप्लाई करने के लिए इस कंपनी के लिए आपको यहाँ पर इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में आप लोग सभी जानते हैं एक जॉब मिलना बहुत ज़्यादा जो कि एक मुश्किल हो गया है। बहुत हर एक दिन जो कि लाइन पड़ जाता है कोई भी इंटरव्यू देने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए जॉब एप्लीकेशन करने के लिए। तो इस तरह के जॉब काम में आपको एक हेल्प करता है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी एक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक के लाइफ में। जो लोग यहाँ पे बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाना एक सभी लोगों की ड्रीम होता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इस ड्रीम को अगर नहीं फुलफिल कर सकते आपका गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, आप लोग प्राइवेट कंपनी में जाके आप ट्राई कर सकते, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जो कि सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग वहाँ से भी आप बहुत जो ग्रो कर सकते हैं आपका पर्सनालिटी। तो दोस्तों, अभी मैं बात करूँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए आपको इस जो लिंक है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर आपका छोटा सा जो फॉर्म है आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जिसके लिए आपको सिलेक्ट जॉब यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है यहाँ पे एरिया मैनेजर डीसी ऑपरेशन पोस्ट, उसके बाद है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर MEP, मैनेजर प्रोजेक्ट, मैनेजर कैटेगरी लगेज, मैनेजर IT, SAP, FI, AA, AM, TRM, लीड एंड सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस, स्टोर मैनेजर। तो दोस्तों, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा आप कौन सा पोस्ट में के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लास्ट जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 12 पास, आप 12 पास के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम देना होगा आपका, उसके बाद आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो कि है यहाँ पे आपको देना होगा, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर, ईमेल सॉरी एड्रेस, आपका एड्रेस देना होगा, आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट बिलोंग करते हो आपको वो देना होगा, उसके बाद आपका सिटी जो है आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आपको आपका जो पिन कोड है आपको वो देना होगा, आपका ईमेल आईडी जो है वैलिड ईमेल आईडी आपको वो देना होगा, आपको मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल्स जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताया था कि 12 पास करके आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 10 पास करके भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे SSC जो कि मार्क कार्ड दिया है। अगर आप SSC पास है तो आप लोग यहाँ, मतलब आप मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा, आपका SSC में कितने कौन सा बोर्ड से आप कंप्लीट कर चुके उसका डिटेल्स, उसका नाम, आपका मार्क कितना आया था, परसेंटेज आपको वो देना होगा, उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी कौन सा बोर्ड से कर चुके हैं आपको वो देना होगा, उसके बाद आप कितना मार्क जो आप पा चुके हो परसेंटेज आपको वो भी देना होगा। इस तरह से आपको अंडर ग्रेजुएट कौन सा स्ट्रीम से आप दिए हो, कॉलेज के नेम, मार्क्स कितना आया है, सब कुछ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है आप तब भी दे सकते हैं।
इसके बाद आपका एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कंपनी के काम करने के एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं है तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर जो है फ्रेशर को भी अलाउ करते हैं इस जो कंपनी के लिए। इसके बाद आपका क्या करना होगा, आपका जो रिज्यूम है बायोडाटा जो है आपको यहाँ पे वो सबमिट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड रिज्यूम, आपको यहाँ पे वो अटैच करके यहाँ पे सेंड करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो जो कि वैलिडेशन कोड या सिक्योरिटी कोड जो है आपको ये फिलअप करके अप्लाई कर देना होगा। इस तरह से आपको ये फॉर्म जो है डीमार्ट के आपको यहाँ पे देख सब कुछ डिटेल भर के आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद कुछ ही दिन में आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ से कॉल आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन चार्ज नहीं दे आपको देना है, आप आपका मोबाइल से आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करना होगा डीमार्ट के कंपनी के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।